तो तकवा कैसे हासिल होगा? कि तकवा कैसे हासिल करें भाई, इतना सारा तकवा बताया गया, इतना तकवा बताया गया, तो अब तकवे को हम इख्तियार कैसे करें, कैसे मिलेगा? तो हमको तकवे के हासिल करने के लिए जो एक तो इल्म हासिल करें, दूसरा क्या कि ऐसे लोगों के साथ में रहें, ऐसे लोगों के बीच में रहें जो लोग अच्छे हों, नेक हों, मुत्तकी हों, परहेजगार हों, जो बुराई से बचने वाले हों, नमाजी लोग हैं, रोज़ेदार लोग हैं, उनके साथ में रहेंगे तो तकवा आएगा। आप तकवा कितना भी इल्म हासिल कर लें लेकिन आपकी संगत अगर बुरी है, ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं कि जो लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, जो मुत्तकी परहेजगार नहीं, इबादत नहीं करते, तो फिर आप कितना ही इल्म हासिल कर ले आप नहीं डर पाएंगे जब आप अल्लाह से नहीं डरेंगे। तो जो है नेक लोगों के साथ में रहेंगे तो फिर क्या होगा, वो नेकी की तरफ वो लोग भी उभारेंगे, उनके साथ में नेकी हम करेंगे। तो और इसी तरह जो अल्लाह के असमा व सिफात का इल्म रखें ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि हाँ यहाँ पर ये अल्लाह की सिफात है, अल्लाह इस चीज़ पर कुदरत रखता है, तो उसका इल्म हासिल करेंगे तो हम उससे तकवा इख्तियार करेंगे।